रामनगर पुलिस थानांतर्गत महावितरण कार्यालय में कार्यरत उप अभियंता राजेश कंगाले के साथ विद्युत ग्राहक की शिकायत को लेकर विधायक विनोद अग्रवाल द्वारा धक्का मुक्की किए जाने की घटना सोमवार 29 अगस्त को शाम 6:30 बजे के दौरान सामने आई। मामला इतना बढ़ गया कि प्रकरण रामनगर थाने में पहुंच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक विद्युत ग्राहक ने विधायक विनोद अग्रवाल से शिकायत की है, जो बिल विद्युत विभाग द्वारा भेजा गया है उनसे आधे से अधिक बिल की राशि भरने के लिए वह तैयार है, लेकिन महावितरण के अधिकारी उप अभियंता राजेश कंगाले द्वारा पूरा ही बिल भरने के लिए कहा जा रहा है। इसी विषय को लेकर विधायक अग्रवाल द्वारा महावितरण के वरिष्ठ अधिकारी व उप अभियंता से बात कर ग्राहक की समस्या हल करने की बात कही। इसको लेकर विधायक महावितरण कार्यालय में पहुंचे एवं नागरिकों की समस्या हल करने के लिए उप अभियंता कंगाले को जमकर फटकार लगाई। अशा प्रकार की कोणती मारहाण झाली नाही आहे आणि फक्त मी एक मुलीचा एक लाडकं व्यक्ती होता त्याच्या बिलाच्या संदर्भात मी मध्ये विचारणा करायला गेलो होतो आणि त्यांना काही गरज पण झाले होते ते सगळं तुम्ही झाले तसा तुमचा विषय झाला नाही। इस दौरान बात इतनी बढ़ गई कि विधायक अपना आपा खो बैठे एवं अभियंता के साथ धक्का मुक्की की। इसी विवाद को लेकर विद्युत कर्मचारी बड़ी संख्या में रामनगर थाने में विधायक के खिलाफ शिकायत करने पहुंच गए। उनका आरोप था कि विधायक ने उप अभियंता के साथ मारपीट की। इसके बाद विधायक विनोद अग्रवाल भी अपने सहयोगियों के साथ रामनगर थाने पहुंचे। वह दोनों पक्षों के बीच पुलिस की मध्यस्थता से मामला शांत हो गया एवं किसी भी पक्ष ने किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। इस संबंध में विधायक विनोद अग्रवाल से बात करने पर उन्होंने स्पष्ट बताया कि वह सामान्य नागरिकों की समस्या की ओर ध्यान देने के लिए उप अभियंता से अनुरोध कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने उसे फटकार लगाई, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की हाथापाई अथवा धक्का मुक्की से इनकार किया। वहीं दूसरी ओर इस मामले में बात करने पर रामनगर के पुलिस निरीक्षक संजेश केंजले ने बताया कि विद्युत अधिकारी कर्मचारी विधायक विनोद अग्रवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन में आए थे, लेकिन विधायक महोदय के भी थाने पहुंचने के बाद दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई एवं विधायक विनोद अग्रवाल ने घटना पर खेद व्यक्त किया एवं दूसरे पक्ष ने भी समझदारी का परिचय देते हुए कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। इस तरह मामला खत्म हो गया है। आमदार साहेबांनी वसुली बद्दल आम्ही वसुली करायला गेलो असता कंज्युमरने पैसे न दिल्यास आम्ही कारवाई केली होती, तर ते आमदार साहब स्वतः ऑफिसला येऊन त्यांनी ऑफिस कार्यालयामध्ये मारहाण केली। त्याच्यामुळे मग आम्ही सर्व प्रकरण पोलीस स्टेशनला तक्रार करायला आलो होतो, परंतु तिथं आमदार साहेबांनी स्वतः येऊन माफी मागून आणि पुढे असं प्रकार होणार नाही आणि आम्हाला रिकव्हरीबद्दल सहकार्य करणार आणि पुढे असं कोणतीही घटना आम्ही होऊ देणार नाही।